जीवनवापी का सर्वे हो रहा है आज 14 दिन। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने, सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शुभक्त के रूप में भी करता हूँ। जो भी मिला हो मुझे भी ये नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे हो रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा और जब अधिकृत रूप से एएसआई के द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो और भी सच्चाई सबके सामने आएगी और विश्वास है मुझे कि सब की बना ले रहा हूँ वहाँ पे। पता है अन्य देशों की तरह हमारे देश में रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशनल है। याद रखना आपने फूलपुर से रिटायर्ड मोहम्मद अजीज दर्द की थी, नीतीश कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ने चल गए। श्री नीतीश कुमार जी बिहार की किसी लोकसभा से लड़े चाहे यूपी किसी लोकसभा से लड़े, मेरे जानकारी के अनुसार वो न तो बिहार से जीतने वाले हैं और न यूपी से। ठीक है, हमें मोबाइल लगा भैया है इमरान। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के अभय शाहजा प्रयागराज के भी उसमें 8 शामिल हैं और प्रयागराज को 960 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मैं प्रयागराज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, अपने मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों की ओर से, सभी सांसद और विधायकों की ओर से इसके लिए हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और 2025 जनवरी में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। 2013 में कुंभ लगा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसी प्रयागराज में हमारे तीर्थयात्रियों की दुर्घटना का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हताहत हुए थे, लेकिन 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ हुआ और 24 करोड़ लोग आए तो किसी को खरोच नहीं आई, दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ। और 2025 में मुझे विश्वास है 24 नहीं 48 करोड़ लोग भी आएंगे तो प्रयागराज स्वागत करेगा, प्रदेश स्वागत करेगा और कोई अव्यवस्था ना हो, इसकी अभी से तैयारी की जा रही है। आज मित्रता दिवस है, प्रयागराज की भूमि भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के प्रतीक स्वरूप आज मैं अभी जब आ रहा था, दिव्य और भव्य प्रतिमा निषाद राज जी की और भगवान श्री राम जी की गले मिलते हुए दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता सारा जग जानता है, प्रयागराज भी इसका प्रतीक है। इस अवसर पर आप सभी पत्रकार मित्रों से को भी मित्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। प्रयागराज के विकास का पथ नहीं रुकेगा, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग से आप जहां तक जाना चाहोगे वह सुविधाएं काफ़ी कुछ हुई हैं, जो नहीं है वह भी आने वाले समय में करेंगे।